हेलो चिल्ड्रेन वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लास दिस इज जोया अख्तर योर साइंस टीचर एंड चिल्ड्रेन इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द चैप्टर नंबर फोर फ्रॉम योर साइंस सिलेबस एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज बर्ड्स इट मीन्स वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फैक्ट्स फैक्ट्स अबाउट बर्ड्स आज की इस वीडियो में हम लोग बर्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जैसा लाइक कि बर्ड्स कैसे उड़ते हैं बर्ड्स उड़ते ही क्यों हैं कहाँ रहते हैं उनके पास खाने के लिए क्या चीज़ें होती हैं कैसे वो अपने एनिमीज से बचते हैं एंड मोर अबाउट लाइक दिस ओके तो आज हम लोग इस चैप्टर में बर्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं तो चलिए बिना डिले किए हुए शुरू करते हैं जो कि कुछ कन्वर्सेशन से स्टार्टिंग है ठीक है आपके इस चैप्टर में जो चैप्टर स्टार्टिंग है वो कुछ कन्वर्सेशन है जस्ट लाइक like, कोई राहुल है कोई एक कैरेक्टर मान लिया गया है राहुल वो बात कर रहा है अपनी मदर से ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं राहुल राहुल क्या कह रहा है मॉम लुक एट और रूम स्टिक्स लीव्स थ्रेड पेपर्स पेपर्स एंड लाइंग हेयर एंड देयर कह रहा है मॉम अपने रूम में देखिए कुछ स्टिक्स हैं कुछ लीव्स हैं कहीं धागे हैं कहीं पेपर्स हैं ये सब पड़े हुए हैं इधर उधर हु इज थ्रोइंग दीज थिंग्स हेयर एंड देयर यहाँ पे ये चीज़ें कौन ला ला के फेंक रहा है तो मदर कहती है डोंट वरी राहुल इट इज़ टिनी स्पैरोज़ हु आर बिहाइंड दिस मिस चीफ इस शरारत के पीछे कौन है किसका हाथ है छोटे छोटे स्पैरोज मतलब गौरैया जैसी चिड़ियों का हाथ है मतलब आप परेशान मत हो राहुल इन सारी शरारतों के पीछे या जो ये काम है किसने किया है छोटे छोटे गौरैया ने किया है दे आर ट्राइंग टू मेक अ नेस्ट ऑन द अलमीरा क्योंकि वो क्या करना चाहती हैं हैंमीरा के ऊपर कुछ अपना क्या बनाना चाहती हैं नेस्ट बनाना चाहती हैं घोंसले बनाना चाहती हैं तो राहुल कहता है बट वाई डू दे नीड टू मेक नेस्ट ममा लेकिन इनको नेस्ट बनाने की क्या ज़रूरत दे कैन लिव कंफर्टेबली ऑन द ट्रीज़ वो तो ट्रीज़ पे भी आराम से रह सकती हैं तब उनकी मम्मा बताती हैं I shall tell you everything about the birds. मैं आपको बर्ड्स के बारे में सब कुछ बताऊंगी. लेट्स गो टू द गार्डन चलो गार्डन चलते हैं बर्ड्स आर beautiful एंड स्पेशल क्रिएचर्स बर्ड्स कैसी हैं खूबसूरत और स्पेशल क्रिएचर्स हैं दे आर फाउंड एवरीवेयर थ्रू आउट द वर्ल्ड ये पूरे वर्ल्ड में हर जगह पाई जाती हैं इसकी मामा बताती हैं अब देखिए वो और क्या क्या चीज़ें बताने वाली हैं बता रही हैं कि हाउ बर्ड्स फ्लाई सबसे पहला टॉपिक क्या है आपके पास बेटा कि बर्ड्स उड़ते कैसे हैं ठीक है उड़ते कैसे हैं ये डिपेंड करता है उनके बॉडी स्ट्रक्चर पर ठीक है तो चलिए देखते हैं क्या है कि बर्ड्स हैव अ स्पेशली डिज़ाइंड स्ट्रीम लाइंड बॉडी विथ बोन्स विच मेक इट लाइट इन वेट सबसे पहले आप अगर देखें तो जो बर्ड्स है वो उसका जो फिगर है उसका जो शेप एंड साइज है वो एकदम डिज़ाइंड है ठीक है किसकी तरह बोट के जैसे आपने नाव देखा है बेटा जो पानी को चीरते हुए बढ़ता है आगे ऐसे करके कुछ सॉरी कुछ ऐसे शेप होता है ना वैसे ही जो वो होते हैं बर्ड्स होते हैं उनका भी शेप जो है वो बिल्कुल स्ट्रीम लाइंड होना होता है जिस लाइक बोट के शेप का होता है ठीक है और जो उनका बोन है हड्डी है वो हॉलो होता है मतलब खोखला होता है ताकि वो हल्की बॉडी के रहें क्या हो सके हल्के वजन के रहें उसके बाद क्या होता है दे हैव फ्लाइट फ़ैदर्स विच हेल्प देम टू फ्लाई और उनके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं उनके पास फ़ैदर्स होते हैं यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इनके पास फ्लाइट फैदर्स होते हैं उड़ने वाले पंख होते हैं जो उनकी बॉडी को वार्म रखते हैं ठीक है सॉरी जो उड़ने में हेल्प करते हैं और एक होता है डाउन फ़ैदर क्या होता है डाउन फ़ैदर्स भी होते हैं जो उनकी बॉडी को वार्म रखते हैं अब देखिए बर्ड्स कैसे उड़ती हैं बर्ड्स इसलिए उड़ती हैं क्योंकि उनके पास एक स्पेशली डिज़ाइंड बॉडी होती है खोखली हड्डी होती है और डाउन फैदर्स और कौन से फैदर्स होते हैं फ्लाइट फ़ैदर्स होते हैं जिनके वजह से वो उड़ सकते हैं तो ये रहा रीज़न कि वो उड़ते कैसे हैं ठीक है और क्या बता रहा है कि बर्ड्स मूव देयर विंग्स अप एंड डाउन वाइल्ड फ्लाइंग जब बर्ड्स उड़ते हैं तो वो अपने विंग्स को अप डाउन अप डाउन यूं यूं करके फ्लैप करके उड़ते हैं दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक मूवमेंट्स यानी कि बर्ड्स के पास बेटा ये पॉइंट टू बी रिमेंबर है ठीक है इसको याद करके रखिएगा कि बर्ड्स के पास दो टाइप के मूवमेंट होते हैं एक होता है अपस्ट्रोक दूसरा होता है डाउन स्ट्रोक ठीक है अगर आपसे कोई पूछे कि बर्ड्स किन दो तरीक़ों से या कितने तरीक़ों से उड़ सकते हैं तो आप बताओगे एक होता है अपस्ट्रोक मूवमेंट और दूसरा होता है डाउन स्ट्रोक मूवमेंट फिर है फ्लाइटलेस बर्ड्स अब देखिए बर्ड्स उड़ते हैं ये बात सही है लेकिन कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो बर्ड होते हुए भी नहीं उड़ते हैं इनके पास सब कुछ होता है मतलब इनके पास भी फैदर्स होते हैं विंग्स होते हैं लेकिन अपने वज़न की वजह से वो उड़ नहीं सकते देयर आर सम बर्ड्स विच आर वेरी बिग इन साइज एंड हैवी इन वेट बहुत बड़े साइज के होते हैं और हैवी होते हैं अपने वेट में दे हैविंग्स एंड स्ट्रॉन्ग फीट बट दे कैनॉट फ्लाई एट ऑल इनके पास विंग्स भी होते हैं मजबूत पैर भी होते हैं लेकिन फिर भी ये नहीं उड़ सकते अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसलिए आपको कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स का नाम याद रखना चाहिए ऐसे बर्ड्स जो बर्ड होते हुए भी विंग्स और क्लॉज होते हुए भी नहीं उड़ सकते उन बर्ड्स को कहते हैं फ्लाइटलेस बर्ड बेटा जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं ऑस्ट्रिच एमो इमो कीवी पेंगविन एट्सट्रा ठीक है ये सब एग्जाम्पल्स हैं और आप यहाँ पे डायग्राम भी देख सकते हो फ्लाइटलेस बर्ड्स के ये देखिए पेंगविन और कीवी का दिया गया है ठीक है अब देखते हैं बीक्स ऑफ बर्ड्स अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बर्ड के बीक्स के बारे में बीक्स का मतलब तो एवरीबडी नोज ओके सब जानते हैं कि बीक का मतलब क्या होता है चोंच क्या होता है बेटा चोंच होता है और बर्ड्स के बीक के बारे में पढ़ना है तो ये तो और इजी है तो चलिए कुछ टाइप इसमें दिए गए हैं हम लोग आज सिर्फ टाइप्स ऑफ बीक्स पढ़ेंगे ओके okay? तो चलिए देखते हैं बीक्स आर द माउथ ऑफ बर्ड्स जो बीक्स हैं ठीक है चोंच है वो बर्ड्स का माउथ होता है मुंह का काम करता है बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स बिकॉज दे ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड जो बर्ड्स होते हैं बेटा वो अलग अलग टाइप के बीक्स होते हैं बिकॉज वो अलग अलग टाइप के फूड भी खाते हैं बीक्स और ऑल्सो यूज फॉर प्रोटेक्शन एज बर्ड्स अटैक देअर एनिमीज बाई बीक्स कह रहा है कि जो बीग्स होते हैं उनसे फूड तो खाते ही हैं लेकिन वो अपने प्रोटेक्शन में भी यूज़ करते हैं जैसे मान लीजिए उनको कोई अगर मारने चलता है तो ये अपने बीक से उस पर अटैक कर सकते हैं तो ये दोनों तरीके से यूज करते हैं अब ये देखने वाली बात है कि बीक्स जो हैं चोंच कितने टाइप के होते हैं तो सबसे पहला टाइप दिया है बेटा स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक्ड बीक्स नाम याद रखिएगा और उसके टाइप के एग्जाम्पल याद रखिएगा मजबूत ठीक है धारीदार और हुक्ड हुक्ड का मतलब होता है आ, ऐसे मुड़ा हुआ ठीक है जस्ट लाइक इट ऐसे मुड़ा हुआ ठीक है ऐसे हुक की तरह मुड़ा हुआ बीक जैसे देखिए बिग बर्ड्स ऑफ प्रे लाइक ईगल वल्चर्स एंड आउल्स हैव स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक्ड बीक्स टू टीयर द फ्लैश ऑफ स्मॉल एनिमल्स कह रहा है कि कुछ बड़े बड़े बर्ड्स होते हैं जो बर्ड्स ऑफ प्रे होते हैं यानी कि ये शिकार करने वाले बर्ड्स होते हैं जैसे ईगल वल्चर आउल इन सब के पास स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक्ड बीक्स होते हैं जो मांस को ठीक है छोटे छोटे जानवरों के मांस को चीरने फाड़ने में मदद करता है तो ये हो गया कि किस टाइप का बीक होता है और उसका काम क्या होता है दोनों चीज़ें आपको पता चल गई सेकेंड टाइप है स्मॉल एंड स्ट्रांग बीक्स छोटे और मजबूत होने वाले बीक्स जो होते हैं जिस लाइक स्मॉल बर्ड्स लाइक स्पैरो पीजन रॉबिन्स आर ग्रेन ईटर्स ठीक है कुछ छोटे छोटे बी चिड़िया होती हैं जो क्या हैं जैसे स्पैरो पीजन रॉबिन्स ये ग्रेन ईटर्स होते हैं अनाज खाने वाले होते हैं इसलिए इनके पास छोटे और मजबूत बीक्स होते हैं ताकि वो अनाज को या किसी भी नट को क्रश कर सके तोड़ कर पीस सकें ठीक है तो ये दो टाइप के हो गए बीक्स अब देखते हैं बेटा तीसरा टाइप है स्ट्रोंग चीजल शेप्ड बीक्स ऑफ अ उड पिकर इट टू मेक होल्स इन द ट्रंक ऑफ ट्रीज टू टेक आउट ऑफ द आउट द इंसेक्ट्स कह रहा है इस, uh, तीसरा टाइप है स्ट्रॉन्ग चीज़ल शेप्ड बीक ठीक है ये किसके पास होते हैं उड पिकर के पास होते हैं जो मदद करता है उनको ट्रीज़ में होल बनाने के लिए ठीक है ट्रीज के ट्रंक में होल करने के लिए ये हेल्प करते हैं टू टेक आउट द इंसेक्ट्स ताकि वो इंसेक्ट्स को पकड़ सकें ठीक है एक तो होल बनाना रहता है ताकि वो अपना उसमें जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं उनको पकड़ के खा सकें रख सकें और उसमें होल करके रह भी सकते हैं ये ठीक है तो इनका कैसे होता है उडपिकर का बीक स्ट्रॉन्ग होता है चीज़ल शेप्ड होता है फिर फोर्थ है शॉर्ट एंड ब्रॉड बीक ब्रॉड बीक शॉर्ट मतलब छोटा होता है और चौड़ा बीक होता है किसका सोलो बर्ड्स का ठीक है ये सोलो बर्ड्स हैं इट इज़ दी सो दैट इंसेक्ट्स गेट स्टक इन साइड वन दे आर फ्लाइंग विद देअर माउथ ओपन ये इसलिए इनका इस तरह होता है थोड़ा सा स्टिकी भी होता है और छोटा और ब्रॉड होता है ताकि जब वो उड़ें ठीक है तो जो इंसेक्ट्स हैं वेन दे आर फ्लाइंग विद देअर माउथ ओपन ये अपने माउथ को ओपन करके जब उड़ें तो जो उनका इंसेक्ट इंसेक है उसमें स्टक कर जाए फंस जाए यानी कि ये मुँह खोल कर उड़ें और उसमें कीड़े आके खुद घुस जाएँ ठीक है इसलिए इनका कैसा होता है शॉर्ट और ब्रॉड बीक होता है तो ये रहा चार टाइप अब पांचवा देखते हैं बेटा फिफ्थ है लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक लॉन्ग मतलब लंबे पॉइंटेड मतलब नुकीले ठीक है जैसे कि हमिंग बर्ड के होते हैं ठीक है हमिंग बर्ड हेल्प्स इट टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स ठीक है ये हमिंग बर्ड जो होते हैं ये फ्लावर्स से नेक्टर को चूसने में हेल्प करता है इनका जो लॉन्ग और पॉइंटेड जैसे बिल्कुल सुई नहीं होता है एकदम सुई की तरह महीन सा इनका नोक होता है बिल्कुल ठीक है तो ये यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ये देखिए यही है ह्यूमिंग बर्ड ठीक है ये सबसे छोटी चिड़िया है ठीक है तो ये क्या कर रहे हैं इनके पास इसलिए ऐसा होता है चोंच ताकि ये नेक्टर को चूस सकें फिर देखिए सिक्स टाइप क्या है बेटा ब्रॉड एंड फ्लैट बीक चौड़ा और चपटा हुआ बीक ये होता है किसके पास डक के पास यानी कि ये देखिए आप यहाँ पे बतख के पास होता है ठीक है ताकि ये टिनी होल्स ऑन द साइड्स ऑफ द एक मिनट फिल्टर पॉन्ड वाटर कह रहा है कि ब्रॉड एंड फ्लैट बीक ऑफ डक हैजट टनी होल्स ये जो डग्स के पास ब्रॉड और फ्लैट बीक होते हैं इनके पास छोटे छोटे होल्स भी होते हैं ठीक है ऑन द साइड्स ठीक है साइड्स पर छोटे छोटे होल्स होते हैं टू फिल्टर पॉन्ड वाटर ताकि जो पॉन्ड का वाटर है तालाब का जो पानी है वो क्या कर सके फिल्टर कर सके ओके द मडी वाटर फ्लोज़ आउट लीविंग द इंसेक्ट्स इन और अगर मिट्टी वाला पानी इनके उस चोंच से गुजरता है तो पानी गुजर जाता है और अगर उसमें कोई इंसेक्ट है तो वो इनके चोंच में फंस जाते हैं और वो उसको खा लेते हैं तो इस तरीके से उनका जो ब्रॉड और फ्लैट बीक है वो हेल्प करता है तो आपने सिक्स टाइप के बीक्स पढ़े हैं अब हम लोगों को पढ़ना है क्लॉज ऑफ बर्ड्स मतलब पंजे कितने टाइप के होते हैं ठीक है तो ये आप पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट उसमें टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में आज के लिए बस इतना ही है, ओके हैव अ गुड डे बाय